हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विंकलिंग वाटरमेलन एपिसोड नंबर 9 प्रीव्यू। रिसेंटली एपिसोड में हम देखते हैं इन गोयल बहुत अपसेट है फ्यूचर में उसकी मॉम के चेंज हो जाने से, और वो पास्ट में सब कुछ ठीक करना चाहता है ताकि उसके डैड और मॉम फिर से एक हो पाएं। ली चेंग उसको बहुत इंसिस्ट करता है कि वो वापस से बैंड ज्वाइन कर ले, और वो बोलता है जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। ये सुनकर इन गोयल बोलता है ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें शेक्योंग से मिलना बंद करना होगा क्योंकि मैं भी उसे लाइक करता हूँ। इनगुल के इस कन्फेशन से ली चंग बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है, और वहीं इस पेतू के कन्फेशन से शेक्योंग बहुत एम्बेरस फील करती है और उसको साइड में ले जाकर पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, इनफैक्ट पहले तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो। इनगुल सोचता है अगर वो ली चैन और शेक्योंग के बीच आ जाएगा तो उसके मॉम डैड फिर से एक हो पाएंगे, और वहीं वो चुंगे को साइन लैंग्वेज सिखाने में उसकी हेल्प करता है। ली चैंग और इनगुल बैंड के रिगार्डिंग एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन ली चैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की फाइटिंग होने लगती है। बैंड मेंबर्स उन्हें अलग कराते हैं और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि फेस्टिवल होने तक वो शेक्योंग से नहीं मिलेंगे, और जिसको शेक्योंग पसंद करेगी वो उसके साथ होगी। और वहीं दूसरी साइड शेक्योंग स्कूल आ जाती है, जिसको देखकर इनगुल उससे दूर जाता है और वो उतना ही उसके पास आने की कोशिश करती है क्योंकि कुछ वहाँ पे मिस्टीरियस लग रहा होता है। वो उसे पता लगाना चाहती है कि इनगुल के दिमाग में क्या चल रहा है। ली चैंग और शेक्योंग को दूर करने के लिए इनगुल उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। दोनों के पास अपने अपने रीजन है, बिकॉज इनगुल चाहता है कि उसके पेरेंट्स फिर से एक हो जाए, यहीं पर शेक्योंग चाहती है कि उसके पेरेंट्स एक ना हो, और यहीं पर इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, शायद आगे जाके इन लोगों के बीच में भी कुछ केमिस्ट्री बिल्ड हो जाए। आपका क्या थॉट है मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।